वेलकम है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना AMC पटना के अंदर जो है आपका वैकेंसी निकला है पैरामेडिकल स्टाफ का, जिसमें बहुत सारा वैकेंसी है आपके, जिसमें सैनिटरी इंस्पेक्टर का भी है, ठीक है, और फर्स्ट एड का भी रिक्वायरमेंट है। तो एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और आजकल आप सब देख ही रहे होंगे, वीडियो काफ़ी कम आ रहा है मेरे यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि वर्कलोड कुछ ज़्यादा है ऑफिस में। इस वजह से जो है प्रॉपर से जो है मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ यूट्यूब पे। तो थोड़ा सा जो है आप लोग भी सर्च कर लिया करें, ठीक है, मेरे भरोसे ना बैठें। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे जैसे कि नोटिस डेट दिए हुए 26/4/2023, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सा वैकेंसी है, ग्रुप ए बी एंड सी कैटेगरी का है, ठीक है, जिसमें आप यहां पर देखेंगे सीनियर प्रोग्रामर का वैकेंसी है, कौन सा है, सीनियर प्रोग्रामर का, ठीक है। उसके बाद में आपका है डेप्यूटी मेडिकल सुपरिटेंडेंट का है। नीचे चलते हैं अपन, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर और सीनियर डाइटिशियन का या असिस्टेंट फूड मैनेजर का। उसके बाद में मेडिकल ऑफिसर आयुष, नेक्स्ट वैकेंसी है एंटीनेटल मेडिकल ऑफिसर का, अकाउंट्स ऑफिसर का, नेक्स्ट वैकेंसी पब्लिक हेल्थ नर्स का। और ये जो वैकेंसी है आप यहाँ पर देख सकते हैं, सीट इतना दे रखा है और यहाँ पर एज क्राइटेरिया दे रखा है, ठीक है, CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये सभी का दे रखा है, तो वो तो आप जो है फुल नोटिफिकेशन देख लें। मेन मेन जो है मैं पोस्ट का नाम बता देता हूँ, ठीक है। मेडिकल सोशल वर्कर, नीचे चलेंगे अपन, योगा इंस्ट्रक्टर, प्राइवेट सेक्रेटरी, इसके बाद में और नीचे चलेंगे अपन, मैटरनिटी एंड चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर का। और यहाँ पर यह है सोशल वर्कर, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ट्रांसपोर्ट सुपरवाइजर, वोकेशंस काउंसलर। ये ग्रुप एक की है इसलिए ये ज़्यादा पोस्ट नहीं है, एक एक दो दो है। ग्रुप सी में बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, सीनियर हिंदी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर या टेक्निकल सुपरवाइजर, इसका 10 वैकेंसी है, ठीक है टोटल। और ये है यहाँ पर आपके असिस्टेंट इंजीनियर का, ये भी है आपका असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का। और यहाँ पर ये आपका डाइटिशियन का, टोटल 12 वैकेंसीज है, कितना है 12 वैकेंसीज, ठीक है। मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर का है आपके यहाँ पर, सॉरी मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड फर्स्ट, इसका टोटल वैकेंसीज की बात करें अपन यहाँ पर तो 15 है, ठीक है, एज क्राइटेरिया 21 से 35। और मैनेजर सुपरवाइजर गेस्ट ऑफिसर, फिजियोथेरेपिस्ट 2 वैकेंसीज, स्टोर कीपर 13 वैकेंसीज, जूनियर इंजीनियर 1 वैकेंसीज, और पर्सनल असिस्टेंट 7 वैकेंसीज, ऑफिस असिस्टेंट 43 वैकेंसीज, जूनियर अकाउंट ऑफिसर्स 4 वैकेंसीज, लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd 4 वैकेंसीज, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन ग्रेड 1st 15 वैकेंसीज। दोस्तों क्वालिफिकेशन जो है यहीं पे दे रखी है, ठीक है, एसेंशन क्वालिफिकेशन में, और यहाँ पर डिप्लोमा वगैरह मांगा है तो वो भी दे रखा है इन्होंने, ठीक है। तो ये साथ के साथ में देख लीजिएगा आप, मैं तो पोस्ट पोस्ट का नाम बता रहा हूँ और टोटल ऑफ वैकेंसीज बता रहा हूँ, बाकी जो है आप खुद देख लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, तो वहाँ पर ये नोटिफिकेशन शेयर कर दूँगा, तो आप नोटिफिकेशन जो है ढंग से पढ़िएगा, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करिएगा, ठीक है। टीबी एंड चेस्ट डिजीज हेल्थ असिस्टेंट का 2 वैकेंसीज, हेल्थ एजुकेटर,
एक वैकेंसीज टेक्निकल ऑफिसर डेंटल, 4 वैकेंसीज जूनियर रिसेप्शन ऑफिसर, 2 वैकेंसीज जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, 3 वैकेंसीज वार्डन हॉस्टल या हॉस्टल वार्डन, यह है आप यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसीज 5। और CSSD टेक्नीशियन का 2 वैकेंसीज, टेक्निकल ऑफिसर 4 वैकेंसीज, मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर 4 वैकेंसीज, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 1 वैकेंसी ST का है, जूनियर इंजीनियर एयर कंडीशनर 2 वैकेंसीज, टेक्निकल असिस्टेंट 66 वैकेंसीज है, और असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर 1 वैकेंसीज है, फार्मासिस्ट का 27 वैकेंसीज है, ठीक है 27 वैकेंसीज, एज क्राइटेरिया 21 से 27 ईयर्स। और फार्मा केमिस्ट का जो है आपके यहाँ पर 1 वैकेंसी दे रखा है, ये आपका आ गया यहाँ पर सैनिटरी इंस्पेक्टर का, ठीक है जिसकी मैं बात कर रहा था। टोटल ऑफ वैकेंसी 13 है, एज क्राइटेरिया जो है 1835, और सिलेक्शन रहेगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में देख लीजिए आप यहाँ पर, 12th पास हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स 1 ईयर ड्यूरेशन का, और नॉट लेस देन 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन 200 बेडेड हॉस्पिटल, ठीक है। मॉडलर का वैकेंसीज है, टोटल 10 वैकेंसीज है, मतलब ग्रुप सी में तो बहुत वैकेंसीज है। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर का 5 वैकेंसीज है, ये हॉल अटेंडेंट का वैकेंसी देख सकते हैं आप, 7 वैकेंसीज है, सोशल वर्कर का 2 वैकेंसीज, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन का 33 वैकेंसीज, स्टेनोग्राफर का 28 वैकेंसीज, कितना है 28 वैकेंसीज, कैशियर का कितना है 6 वैकेंसीज, और यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर का ग्रेड ए 1 वैकेंसीज, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट 4 वैकेंसीज, इलेक्ट्रीशियन 6 वैकेंसीज, गैस पंप मैकेनिक 2 वैकेंसीज, डार्क रूम असिस्टेंट का कितना वैकेंसीज है 5 वैकेंसीज, और यह है असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर। इसके कोर्स की मैंने बात भी करी थी, और इसकी वैकेंसी जब भी आता है जिसने भी किया है तो वो जॉब लग जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोर्स चाहिए इसमें, ठीक है। 12वीं पास होना चाहिए और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना है लॉन्ड्री टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। और 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने, ठीक है। तो जिसके भी पास है जो भरेगा वो लग जाएगा इसमें, ये मेरी गारंटी है। सिक्योरिटी कम फायर जमादार, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का 16 वैकेंसीज, वायरमैन का 20 वैकेंसीज, कितना है वायरमैन का 20 वैकेंसीज। देखो 9 मिनट का वीडियो होगा, जबकि मैंने कोई कास नहीं बताया, सिर्फ वैकेंसीज बताइए और जो इंपॉर्टेंट वैकेंसी सैनिटेंस है वो ज़रूर डिटेल में बताइए, तब भी 9 मिनट का वीडियो होगा। तो आप को अगर मैं सारी एक एक करके इसकी क्वालिफिकेशन एज क्राइटेरिया सभी पोस्ट का बताता ना तो ये 15-20 मिनट का वीडियो हो जाता, इसीलिए नहीं बनाया मैंने। जूनियर वार्डन या हाउसकीपर का 8 वैकेंसीज है, इसमें भी वही डिप्लोमा वगैरह चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइवर का वैकेंसीज है 16 वैकेंसीज है, मैकेनिक 4 वैकेंसीज, लाइनमैन इलेक्ट्रिकल 2 वैकेंसीज, कोडिंग कलर 1 वैकेंसीज, मैकेनिक एयर कंडीशनिंग 6 वैकेंसीज,
पलम्बर का 15 वैकेंसीज, हॉस्पिटल अटेंडेंट जिसकी मैं बात कर रहा था फर्स्ट एड का वैकेंसी, ठीक है। नर्सिंग ऑर्डिनरी के नाम से आती है 60 वैकेंसीज है, ठीक है, जिसमें कैटेगरी वाइज डिवाइड की हुई है और यहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं, ठीक है। मैट्रिकुलेशन मांगा है एंड ये यहाँ पर देखिएगा सेंट जॉन एम्बुलेंस उसी को बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट एड का जिसके भी पास है तो वो अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। टेलर ग्रेड थर्ड 2 वैकेंसीज, तो ये सारी वैकेंसीज मैंने आपको बता दी, बाकी फुल नोटिफिकेशन रीड करिएगा, उसके बाद जो है फॉर्म अप्लाई करिएगा, ठीक है। और आप जो है इस वेबसाइट से फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और इसकी जो है लास्ट डेट जो है कितनी दे रखी है, 30 डेज, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रोजगार समाचार में पब्लिश होने के बाद, तो 26 अप्रैल से हुआ था तो 30 दिन जो है उसके बाद से इसकी लास्ट डेट है। थैंक यू।